कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम, बादाम 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 कच्चा बादाम है, बादाम 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 कच्चा बादाम है। तो आप सोच रहे होंगे मैं क्यों ये कच्चा बादाम का सॉन्ग गा रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ। तो आज की ये वीडियो जो है छोटी सी, जो मैंने क्यों ना सोचा कि जो है बादाम को लेकर बनाई जाए, तो जो है क्योंकि जैसे मैंने पीछे के जो वीडियो डाले थे, शायद दो वीडियो डाले थे, उसमें जो है बादाम के बारे में, जिन दिनों में फल लगते हैं, वो सॉरी फल नहीं लगते, जो है उसमें फूल लगता है मार्च के महीने में, तो मार्च में एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें जो है बादाम के पेड़ दिखाए थे जो वो फूलों से लदे हुए थे। और अब क्योंकि जो है अप्रैल का महीना आ गया है, तो अप्रैल में जो है वो फूल सारे झड़ जाते हैं और उसमें बादाम आने लग जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आपको बादाम का पेड़ दिखाता हूँ, बादाम लगे हुए और अभी वो कच्चे हैं, और तो कच्चा बादाम वाला सॉन्ग याद आ गया, तो मैंने कहा चलो जो है वीडियो की शुरुआत जो है कच्चा बादाम सॉन्ग से करते हैं, और इसी के साथ साथ आपको जो है बादाम की जो है थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो चलिए आपको अब जो है बादाम का पेड़ दिखाता हूँ, कच्चे बादाम लगे हुए। तो ये जो है यहाँ पर जो है ये मेरे ख्याल में 4-5 ये बादाम के पेड़ हैं, और ये ऐसे ही उगे हुए हैं, और यहाँ पर बादाम लगते हैं, और भी कई जगह बादाम के पेड़ ऐसे ही उगे हुए हैं, तो जो है इन पर अभी जो है बादाम लगे हुए हैं। तो चलिए आपको ये दिखाता हूँ बादाम जो है कच्चा बादाम कैसे पेड़ पर लगता है, कैसा दिखता है वो। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए ये जो है अब जो है ये इस पे से फूल झड़ गए हैं, और अब जो है उन फूलों में से ही जो झड़ जाते हैं फूल, क्योंकि फूल बहुत नाजुक होते हैं और फूल झड़ जाते हैं, उसके पत्तियां जो फूल की झड़ जाती हैं, और उसके बाद उस फूल में से ही जो है ये जो है बादाम निकलना शुरू हो जाता है। तो देखिए ये जगह से ये जैसे आप देखेंगे ये जो छोटे छोटे जो हैं ये दिख रहे हैं आपको, ये जो दिख रहे हैं, तो इन्हीं में से जो है ये बादाम निकलने शुरू हो जाते हैं। और आप देखेंगे ये जो है इधर ये छोटे छोटे बादाम जो है निकलने शुरू हो गए हैं, और ऐसे ही इसी तरीके से ये जो है बादाम धीरे धीरे जो है ये बढ़ने लग जाते हैं, और इसी तरीके से और ये छोटे छोटे बादाम जो है निकल रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में ये जो है, और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, और जब ये बढ़ जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से इधर से ये इस तरीके से देखने लग जाते हैं, बढ़ जाते हैं हरे हरे। तो ये जो इसका ऊपर का जो एक कवर होता है, ये जो है हरा कवर, ये थोड़े दिनों बाद जो करीब अभी इसको एक महीना से ऊपर लगेगा, अभी 1-1.5 महीना लगेगा, तो इसका जो ये ऊपर का हरा कवर होता है ये धीरे धीरे जो है अपने आप खुल जाता है, और फिर उसके अंदर जो है बादाम जो है होता है, और ऊपर जो बादाम के जैसा हार्ड एक शेल होता है जो कवर होता है, तो ये वो बादाम अपने आप जब ये हरा कवर खुल जाता है इसका, तो वो बादाम अपने आप फिर गिर जाते हैं नीचे। तो यहाँ पर तो ये पेड़ ऐसे ही अपने आप जो है 4-5 पेड़ जो हैं लगे हुए हैं, और ये अपने आप जो है उगे हुए हैं यहाँ पर, तो जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं तो वो जो है यहाँ से बादाम जो है उठा कर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी देखभाल नहीं होती है। तो इसमें भी जो बादाम होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो कड़वा बादाम होता है और एक जो है मीठा बादाम होता है, तो ये जो है मीठे बादाम वाले पेड़ हैं, और जो लेकिन जो कड़वा बादाम होता है उसमें भी जो है उसका भी उपयोग होता है, यहाँ पर एक वो मिठाई सी बनती है उसमें जो है उसका उपयोग थोड़ा सा हल्का थोड़ा सा डाला जाता है उसको स्वाद देने के लिए, क्योंकि कड़वा बादाम वैसे खाली तो खाया नहीं जाता, क्योंकि उसका बहुत ही कड़वा टेस्ट होता है और खाने में बिल्कुल बेकार होता है। और जैसा मैंने कहा कि आपको इसका जो इस्तेमाल जो है तेल बनाने में भी होता है, और इसके अलावा जो बादाम जो मीठे बादाम होते हैं इस पर यहाँ का जो है बहुत जो है स्पेशली जो यहाँ पर जब क्रिसमस का टाइम होता है, तो यहाँ पर जो है वो एक तरीके के उसको ये बोलते हैं तुर्रोन, तो अलग अलग टाइप की होती हैं, और इंडिया में जिसको गजक बोला जाता है, तो ये जो है उस टाइप की सॉफ्ट तुर्रोन बनती है, और जो है क्या कहते हैं और जो है हार्ड तुर्रोन बनती है, तो उसमें बादाम का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और मेरे को खाने में बहुत पसंद आती है। जैसे इंडिया में भी जो है ठंड के सीजन में जो है ये गजक खाई जाती है, तो ऐसे ही यहाँ पर स्पेशल क्रिसमस के टाइम पर जो है ये तुर्रोन खाई जाती है। तो यहाँ पर ये 4-5 पेड़ हो गए हुए हैं जैसा देख सकते हैं, ये जो है इनकी ऊंचाई जो है इतने कुछ छोटे पेड़ भी हैं और कुछ बड़े पेड़ भी हैं, तो जो है ये आप देख सकते हैं ये जो है इसमें दो पेड़ हैं उनकी ऊंचाई तो काफ़ी अच्छी है, और जो छोटे पेड़ हैं उनमें भी बादाम आए हुए हैं। तो ये देखिए अब मैंने जो है कुछ बादाम जो है ये तोड़ कर अपने हाथ में रख लिए जिससे आपको और अच्छी तरीके से दिख सके। तो ये कच्चे बादाम हैं, और
डेढ़ महीने बाद, करीब एक डेढ़ महीने बाद जो है इनका जो है छिलका जो है ऊपर का हरा छिलका है अपने आप खुल जाएगा और फिर ये जो है नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरीके से आज की छोटी सी वीडियो जो है आपको जो है दिखाई बनाई, और आशा करता हूँ कि जो है ये जो है वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिलेगी। तो मैंने इंडिया में जो है पहले कभी जो है इस टाइप से जो है क्या कहते हैं बादाम के पेड़ नहीं देखे थे। यहाँ पर आने के बाद जब मैं सिटी में आया तो तब देखे थे, तो मैंने सोचा चलो एक जो है वीडियो जो है बनाई जाए इस तरह। तो आशा करता हूँ आपको आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और जो है आप इस वीडियो को देखेंगे और इसका आनंद लेंगे। और हमेशा की तरह आपसे एक ही गुजारिश जो है कि अधिक से अधिक जो है वीडियोस को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरी है, और उससे जो है अधिक से अधिक प्रेरणा मिलती है। और जो है कोशिश करूँगा आगे ऐसे ही आपको जो है और नए नए वीडियो दिखाऊँ। और ये भी आशा करता हूँ कि आपको पीछे जो है जो टोलेडो के वीडियो जो अपलोड किए हैं वो आपने देखे होंगे और आपने उनका जो है आनंद लिया होगा। तो जो है आज के लिए बस इतना ही, और चलिए फिर एक नई वीडियो में किसी और एक नई चीज़ के साथ। बाय बाय।